सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। ये मैं हूँ पत्रिका गेट जयपुर में और रोशनी थोड़ी सी कम यहाँ पे, तो थोड़ा आगे चलते हैं रेड लाइट पे और कंटिन्यू करता हूँ मैं आज का व्लॉग। बाहर का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ही सुहाना मौसम और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो यहाँ पे लाइट से है तो दोबार साहब का स्वागत करता हूँ। और तो मैं अभी हूँ जयपुर में और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज है 24 जनवरी 2024 और ये कुछ यहाँ के नज़ारे। तो आज मैं निकल पड़ा था वैसे ही तफरी करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो कैमरा भी लेके चलते हैं और आपको कुछ जयपुर के जो शाम के नज़ारे उनका एक थोड़ा सा टूर दिया जाए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और मेरा ये जो वीडियो यहाँ से शुरू होता है पत्रिका गेट वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट इन जयपुर। तो चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। शाम का वक्त, काफ़ी हैवी ट्रैफिक, तो ये रेड लाइट अभी मैंने क्रॉस किया है और मैं आज आपको एक बहुत ही मेरे क्लोज मित्र हैं, करीबी मित्र हैं, इनका हम दशरथ जी से इनसे मिलवाता हूँ। से हाय। हाय। दशरथ जी मेरे करीबी मित्र इसलिए हैं क्योंकि ये मेरे करीब रहते हैं मेरे घर के। तो दोस्तों चलिए बने रहिए और आगे चलते फिर। दोस्तों अभी मैं छुट्टियों में आया हुआ हूँ इंडिया और ये चाइनीज़ न्यू ईयर हॉलीडे है। और जब भी मैं जयपुर में होता हूँ तो मुझे जयपुर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो मेरा एक आप उसको हैंगआउट कह सकते हैं। और मुझे कचौरी खाने का ज़बरदस्त शौक है और तो आज मैं वैसे ही निकल गया था। मुझे ऑलमोस्ट 6-7 दिन हो गए थे पर मैं अभी बाहर निकला नहीं था, तो मैं आज निकला कचौरी खाने के लिए और वो भी बापू बाजार में। तो मैंने सोचा चलो आज साथ में कैमरा लेके चलते हैं और एक शाम के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं जयपुर के। तो बने रहिए मेरे साथ। अल्बर्ट हॉल पहुँचते तक हमें ये पता लगा कि आगे का रास्ता बंद है क्योंकि 2 दिन के बाद 26 जनवरी रिपब्लिक डे है और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आ रहे हैं, जिनको रिसीव करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं। तो इस वजह से आगे का रास्ता बंद था तो वहाँ बापू बाजार तक मैं नहीं जा पाया। और तो बट ये है कि ये सारे शाम के नज़ारे जयपुर, यू नो जयपुर हाउ डज इट लुक लाइक इन द नाइट, तो ये आप यू कैन हैव अ लुक एंड यू कैन एंजॉय। तो दोस्तों जगमगाता हुआ जयपुर आपके लिए। ये सामने देखें पोस्टर लगा हुआ फ्रांस के प्रधानमंत्री मैक्रोनी उनका और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में ये पोस्टर। कल उनका जयपुर में आगमन है जिनको हमारे प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और दिल्ली लेके जाएंगे रिपब्लिक डे सेरेमनी के लिए। और ये लेफ्ट साइड में मेरे जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी JDA की बिल्डिंग खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे कि दिवाली आज ही है, हालांकि दिवाली तो 2 दिन पहले 22 जनवरी को भी जबरदस्त ढंग से मनाई गई थी जयपुर में अयोध्या के लिए। ये नव युग है, राघव का आगमन जो हुआ है। जय श्री राम। दोस्तों आप अगर जयपुर से देख रहे हैं ये वीडियो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं।
सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। तो ये है जयपुर और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त और मैं स्वागत करता हूँ आपको आज के मेरे इस व्लॉग में जयपुर से। दोस्तों आज है 24 जनवरी 2024 और अभी शाम में वैसे ही मैं तफरी करने निकला तो मैंने सोचा चलो कैमरा लेके निकलते हैं और अपने साथ आप लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा शाम के नज़ारे दिखाते हैं। सो ये कुछ यहाँ के शाम के नज़ारे एंड दिस इज़ एन इवनिंग इन जयपुर विद आशीष। तो ये है मेरा खूबसूरत जयपुर, ये देखें व्यू कितना बेहतरीन, कितना जगमगाता हुआ। और दो दिन बाद हमारा गणतंत्र दिवस भी है तो उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और अभी मैं हूँ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में और ये ज़बरदस्त खूबसूरत नज़ारा देखें। वाकई काबिले तारीफ, मज़ा आ गया भाई साहब। ये जेडीए के बाहर का खूबसूरत नज़ारा और ये ज़बरदस्त लाइटिंग्स करी हुई। बेहतरीन नज़ारा। तो मैं आज वैसे ही तफरी पे निकला और मैंने बोला चलो, तो मैंने बोला भाई शाम का टाइम है कैमरा लेके चलते हैं और मैं वैसे ही अभी निकला। तो मेरा प्लान है अभी बापू बाजार तक जाने का और वहाँ पे मेरा एक फेवरेट कचौरी का वो है ढाबा, कचौरी प्लेस। तो आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, कचौरी भी खाऊँगा और आपके साथ लेके चलता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी, इट्स ब्यूटीफुल जयपुर, बने रही मेरे साथ। और ये जेडीए के बाहर का खूबसूरत नज़ारा और रोशनी से भरपूर और ये सड़क का नज़ारा। और दोस्तों आपको एक बहुत अच्छी जानकारी है वो मैं दे दूं आपको, इस बार गणतंत्र दिवस पे हमारे देश में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन आ रहे हैं और उन वो जयपुर में लैंड करेंगे और ये उनका कुछ बिलबोर्ड है यहाँ पे, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे उनको रिसीव करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और मेरे साथ में दशरथ जी, ये मेरे को ड्राइव कर रहे हैं तो बने रहिए। Renew
तो गाइज ये अभी हम आ गए वापस घर के पास में और अभी जाने लग रहे हैं सियाराम कैटरर्स, वहाँ से पैक कराएंगे कचौरी और फिर वापस घर पे। सो फाइनली अब घर के पास में कचौरी और समोसे पैक कराते हैं। सियाराम के पास भी वो खत्म होगा 8 बजे तक ही रखता है। अच्छा। तो सोचे चलो यहीं से लेने चलो आते हैं। तो खाने से पहले स्नैक्स लेते हैं।
तो दोस्तों ये है दाल की कचौड़ी और समोसे। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, और इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो बाय बाय।